तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ जे एस स्कूल पर, और यहाँ पर जो है डेफ बच्चों के लिए जो है आई कैंप मुनक्कित किया गया है, और ये आई कैंप जो है बैरज लिमिटेड की जानिब से यहाँ पर किया जा रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है इससे इस्तफादा हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर डॉक्टर से भी आपकी बात कराते हैं, और मुख्तलिफ जो बच्चे हैं यहाँ पर मौजूद, कोशिश करेंगे उन बच्चों से भी किसी तरह आपकी बात कराएँ। तो हमारी कोशिश होगी इन सबसे आपकी बात कराएँ। आइए चलते हैं इनसे बात करते हैं। पहले तो मैं पेप्सी और इखलाक साहब और डॉक्टर खालिद का शुक्रिया अदा करूंगा कि हम 12 साल से कैंप कर रहे हैं पर मंथ 24, और बहुत कम ऐसा हुआ है कि हम ऐसे इदारों में पहुंचे हों जिसमें बच्चे बोल नहीं सकते हों, डफ हों। उसके अंदर अगर हम काम कर रहे हैं तो इनके इदारों की पूरी सपोर्ट ये मिल रही है कि हमें लैंग्वेज इशू नहीं हो रहा है। इनके हमारे पास बंदे हैं साथ, वो बता रहे हैं, सारी चीज़ें डील कर रहे हैं। एक एक पेशेंट का कंप्यूटर चेकअप हो रहा है, उसके बाद उनका रिफ्लेक्शन पूरी तरीके से हो रहा है। फैसिलिटी लैम के ऊपर यहाँ पर आके मेडिसिन दी जा रही है, और अभी तक सिर्फ एक पेशेंट ऐसा है कि जो हम अपने हॉस्पिटल रेफ़र कर रहे हैं फर्दर चेकअप के लिए। बहुत अच्छे से इनका चेकअप हो रहा है, और मैं आखिर में फिर इस इदारे का और पेप्सी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हमें यहाँ काम करने का मौका दिया। अब मैं पाकिस्तान बेवरेज की तरफ से यहाँ पर आया हूँ। पाकिस्तान बेवरेज ने कोशिश की है कि जितने भी यहाँ पर डेफ बच्चे हैं इनका आई सेट करवाएं, और उसके लिए मैं डॉक्टर खालिद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया, और यहाँ पर एक आई कैंप भी इस वक्त चल रहा है, और तकरीबन 200 बच्चे इंशाल्लाह इस आई कैंप से मुस्तफीद होंगे, और इंशाल्लाह ये काम बड़ा अच्छा होगा। थैंक यू। अच्छा, मेरे बच्चे भाई बीमार, मेरे ख़राब, अच्छा मुझे पता नहीं बच्चे नहीं वो था बताओ बहुत मेरा ख़राब है। ऐसे पे जो डेफ बच्चे हैं वो हर कैटेगरी के हैं, हर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो जो अच्छी फैमिली के हैं वो तो लुक आफ्टर कर लेते हैं, लेकिन जो बास फैमिलीज़ हैं जो अफोर्डेबल नहीं हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद होता है इस तरह के कैंप्स का। बहुत ज़्यादा बच्चों को जो है बेनिफिट होता है, तो ये होना चाहिए। क्या आपने हमारे इन समाज से महरूम बच्चों के लिए ये स्काई कैंप का जो एहतमाम किया है, तो इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। उसके अलावा आप ये देख रहे हैं, जैसे आपने कहा कि इन बच्चों का जो शाहकार हैं, तो यानी हमारे जो इदारे का आर्ट रूम है उसको आपने आई कैंप में कन्वर्ट कर दिया है। ये आप देख सकते हैं, अगर आपके कैमरा मैन दिखाएँ हमारे इन स्पेशल बच्चों का आर्ट वर्क है, क्योंकि जो समाज से महरूम बच्चे होते हैं उनमें ये खसूसी सलाहियत होती है कि उनमें फ़ाइन आर्ट की जो स्किल होती है वो बहुत ज़्यादा यानी ज़्यादा होती है। बिकॉज़ कहते हैं ना, अल्लाह ताला अगर एक हिस्से ले लेते हैं, अगर उनमें उनकी जो समात के हिस्से वो कम है, तो उसका जो अल्टरनेट है वो फिर उनकी आइज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। तो दैट्स व्हाई कि आप ये सारा कुछ देख रहे हैं। और वंस अगेन मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान बेवरेजेस एंड ये खालिद आई क्लिनिक की कि आपने इतनी अच्छा अपना ये जज्बा दिखाया इन बच्चों के साथ। मैं और मेरे स्टूडेंट्स और माई चेयरपर्सन बहुत ज़्यादा आपके शुक्रगुजार हैं। आइंदा भी था उनके तलबगार। हमने यहाँ पर जे एस एकेडमी स्कूल्स में मौजूद है जो यहाँ पर टीचर्स हैं उनसे भी आपकी बात कराई, मुंतज़मीन से भी बात कराई, और सबका यही कहना था कि ऐसे इवेंट जो लाजमी मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर मुनक्किद होने चाहिए। और डॉक्टर्स का भी यही कहना था कि हम पहली दफ़ा ऐसा बैरेज लिमिटेड की जानिब से जो काम हुआ है उसको सराहते हुए भी नज़र आए। कैमरा सरफराज अली के साथ शहजादा मोइन, विनस टीवी, कराची।